महीने में 18,000 से 20,000 तक की कमाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप देख रहे हैं विदेश और उद्योगी चैनल। आज हम इस वीडियो में लहसुन छिलने के बिजनेस के बारे में जानेंगे। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आज हम इस वीडियो में लहसुन छिलने के बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस छोटी सी मशीन से आप घर बैठे बैठे ही या पार्ट टाइम में या तो अपनी घर की महिलाएं और बड़ी उम्र वाले लोग ये मशीन से बस थोड़ी सी मेहनत करके हर महीने 20,000 से 50,000 तक की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो इस छोटी सी मशीन से किस तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं वो जानेंगे। हमारे साथ है दक्षेश भाई। दक्षेश भाई हमें बताए कि हम इस मशीन से लहसुन को कैसे छील सकते हैं। ये लहसुन का मशीन है, ये टोटली पूरा एसएस का मशीन आता है। इसको आपको जो रहता है उसको पूरा कणी जो रहती है उसकी उसको इसमें आपको डालते जाना है। वो घंटे में आपको 5 से 6 किलो प्रोडक्शन निकलेगा। वो कम से कम 80% आपको रिजल्ट निकलता है। बाकी जो आपका लहसुन जो रहेगा छिलका बिना का, वो आप उसको रिपीट करके भी अंदर डाल सकते हैं, वो भी आपका पूरा निकल जाएगा छिलका। दोस्तों आप अभी इस वीडियो में देख रहे हो कि लहसुन के 1 by 1 इस मशीन में डालना होता है। दोस्तों बस इतनी थोड़ी सी ही मेहनत है इस मशीन को चलाने में। दोस्तों ये मशीन 80% लहसुन को छील देता है। जो लहसुन नहीं छिला हो उसे चुनकर आप वापस इस मशीन में डालें। दोस्तों आप इस तरह से इस छोटी सी मशीन से लहसुन को बहुत ही आसानी से छील सकते हो। दोस्तों इसके बाद आप छिले हो लहसुन को अपनी मर्जी से पैकिंग करोगे, जैसा कि 100 ग्राम, 200 ग्राम या तो 500 ग्राम में पैकिंग करोगे, ताकि आपका छिला हुआ लहसुन बहुत ही आसानी से बाजार में बेच सके। आपके मन में सवाल आता होगा कि छिले हुए लहसुन को कौन खरीदेगा, कहां पर हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस छिले हुए लहसुन को आप रेस्टोरेंट्स, होटल, दाल बाटी वाले, पंजाबी ग्रेवी वाले, दाबेली वाले, वड़ा पाव वाले, सब्जी मार्केट में, किराना की छोटी मोटी दुकानों में या रिलायंस जैसे छोटे मोटे मॉल में आप बहुत ही आसानी से बेच सकते हो। अच्छा दक्षिण भाई, इसमें क्या लहसुन को जो पीस ज्यादा तो नहीं पीस जाता ना, मतलब कि वो रस निकल जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, लहसुन को कोई चीज डैमेज नहीं होता है। जैसे अपन हाथ से छीलते हैं उसी तरह से ये फंक्शन करता है मशीन। एक घंटे में 5 से 6 किलो लहसुन आप छील सकते हैं। हाँ दक्षेश भाई, ये हमें इसके बिजली का कनेक्शन कितना किस तरह का होता है? इसमें जो मोटर आती है 1/4 की मोटर आती है और बिजली का जो पावर कंजप्शन है वो आपको 1 घंटे में करीबन 1 यूनिट जितना यूज होता है, ज़्यादा नहीं होता है। हाँ दक्षेश भाई, इसमें मेंटेनेंस और सर्विसेज किस तरह की हो? इसमें ऐसा है, इस तरह का कोई अभी तक मेंटेनेंस आया नहीं है मशीन में। अगर संभाल के रखोगे तो कोई मेंटेनेंस है नहीं इसके अंदर। दोस्तों इसमें कोई खास मेंटेनेंस है नहीं, फिर भी आप जब इस मशीन को परचेस करोगे तब इस मशीन का सर्विसिंग और मेंटेनेंस आपको सिखा दी जाएगी। दक्षेश भाई, हम इस मशीन को किस तरह से यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? आजकल लहसुन हर जगह पे अवेलेबल रहता है और हर किसी को लहसुन का जरूरत रहता है। तो ज्यादा सर ये पाव भाजी वाले है, सैंडविच वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो सबको यूजफुल आता है और हर जगह पे ये मशीन चलता है। मशीन आजकल अभी क्या है, लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, वो हिसाब से लहसुन छिलने में बहुत इजी हो गया है। और ये जो मशीन है वो छोटा सा और कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं इसको। कैटरर्स वाले हैं, होटल वाले हैं, उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट मशीन है ये। ये ज़्यादा सर पंजाबी वाले जो पंजाबी ग्रेवी बनाते हैं उनको भी ज़्यादा यूज़ में आता है लहसुन छिलने के लिए। दक्षेश भाई, हमारे ग्राहक को खरीदना हो तो हमें कितने में मिल सकता है? ये 15,000 से लेके मेरे पास 1.5 लाख तक का रेंज है। जो पानी से भी छिलका निकालता है वैसा भी मशीन है हमारे पास, और ड्राई जो लहसुन रहता है वो भी छिलका निकालने का मशीन है। दोस्तों छिले हुए लहसुन के बिजनेस की कमाई की बात करें तो अपने घर पर बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं या घर की महिलाएं
या बड़ी उम्र वाले लोग इस छिले हुए लहसुन का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, छिले हुए लहसुन हर घर में यूज होता है, हर होटलों में यूज होता है, रेस्टोरेंट्स में यूज होता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुनी चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों, हमारा एक अंदाज है कि आप 1 किलो के छिले हुए लहसुन से 30 रुपये की कमाई कर सकते हो। तो आप इस हिसाब से चले तो दिन में 20 किलो लहसुन छील सकते हो तो आप 600 रुपये की कमाई कर सकते हो और महीने में 18,000 से 20,000 तक की कमाई कर सकते हो। दोस्तों, ये हमारा एक अंदाजा है, आप काम किस तरह करते हो और छिले हुए लहसुन को बाजार में किस तरह बेच सकते हो, उस तरह से आप अपनी इनकम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये लहसुन छिलने का जो बिजनेस करना हो और इस मशीन को खरीदना हो तो हमें इस कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस कंपनी को मिल सकते हो और लहसुन छिलने का आप बिजनेस कर सकते हो। हमारा एक ही मकसद है, कोई भी बिजनेस की सच्ची ही जानकारी आपको देना। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हो, इस पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।